जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आज हम बात करेंगे UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षा की कट ऑफ कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। साथियों, तो आप अपने आप को श्योर समझिए और दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका फिजिकल एक अलग ही लेवल का है। 25 किलोमीटर दौड़ है दोस्तों लड़कों के लिए और 14 किलोमीटर दौड़ है लड़कियों के, और भी दोस्तों 10 किलो लेकर के, 10 किलो वजन उठा करके। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड के कट ऑफ के बारे में कि जनरल कट ऑफ कितनी जा सकती है, OBC की कितनी, गर्ल्स की कितनी, SC की और ST की कितनी। अगर इतने क्वेश्चन है आपके तो आपको दौड़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि अगर देखिए आपने हमारे से नहीं मिलाया है तो एक बार आप अपने रिजल्ट मिला लीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कार्ड पीट कर। ठीक है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए आपको मिलाना किस प्रकार से है तो मैं आपको बता दूं। मान ले साथियों, आपके आपने क्या किया है, टोटल 160 क्वेश्चन किए हैं। 160 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन कितने हो गए, गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो देखिए कैसे निकालोगे। अब इसका मतलब नहीं कि 20 गलत हो गए तो आप सीधा 140 बता दो। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चन गलत है, इसको हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5। तो 5 क्वेश्चन और घटा के आपको क्या बताना है कि 135 क्वेश्चन आपके बनना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको निकालना है, ये मार्क निकालना है। ठीक, 1/4 आपका माइनस मार्किंग हटा करके निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहली चीज क्या हो, कट ऑफ पे कुछ चीजें दोस्तों जिसका आपको असर देखने को मिलेगा कट ऑफ पे। देखिए पहली चीज क्या है, देखिए आपने भी दोस्तों पेपर दिया होगा और आपने फील किया होगा कि भैया आपके जो कक्ष था उसमें लगभग लगभग दोस्तों 35 से 40% ही बच्चे उपस्थित थे, कहीं कहीं पे दोस्तों संख्या बहुत कम थी। ठीक है, तो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि लगभग दोस्तों 60% बच्चों ने आपका पेपर छोड़ा हुआ है। अब देखिए पेपर छोड़ने की कई सारी चीजें हैं, जैसे कि देखिए बहुत सी वैकेंसी, उसके बाद काफी वैकेंसी हुई, जैसे पुलिस में, यूपी पुलिस में बच्चे हो गए। ठीक है, यूपी पुलिस में तो वो बच्चे नहीं देने गए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों और भी वैकेंसी जो आई हैं उनमें हो गए हैं। ठीक है, तो वो बच्चे देखिए जो अच्छे बच्चे थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों पहले सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, जो अच्छे बच्चे थे दोस्तों वो पहले सेलेक्ट हुए थे। अब देखिए जो कंपटीशन है वो इन बच्चों में बचा। अब देखिए 35 से 40% बच्चे का केवल बैठे थे पेपर में। ठीक है, ये और भी ज्यादा मान सकते हैं इसका दोस्तों, इस सबसे लेटेस्ट जो होगा लगभग 35% बच्चों ने पेपर दिया है। अब इन्हीं बच्चों में आपको फाइट करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे जो कमजोर थे वो पेपर छोड़े, भैया जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने भी पेपर छोड़ा, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। या फिर दोस्तों वो बच्चे देखिए पेपर भी, और दूसरी दूसरा रीजन क्या होगा कट ऑफ प्रेशर का कि दोस्तों ये 2019 का पेपर है, आपको पता है बहुत पहले भरा गया पेपर था। ठीक है, और बच्चों ने इसकी आशा भी लगभग धुंधली थी कि भैया पता नहीं पेपर कब होगा। ठीक है, वो बच्चे कहीं जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि किसी को लग नहीं रहा था कि 21 अगस्त को इसका पेपर होगा। ठीक है, 21 अगस्त को इसका पेपर होगा, किसी को नहीं लग रहा था, सबको लग रहा था डेट बढ़ेगी, मगर साथ डेट नहीं बढ़ी, अचानक आ गई, तो इसका भी असर थोड़ा बहुत देखने में मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, हार्ड फिजिकल, फिजिकल हार्ड है दोस्तों। ठीक है, फिजिकल हार्ड है तो ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आपको पता 25 किलोमीटर दोस्तों आसान नहीं होता है। ठीक है, वो बच्चे समझ सकते हैं जो कि रेस में नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कैसे होगा रेस, तो आपको बता दें जो बच्चे बुलाए जाएंगे, अब दोस्तों रेस के लिए कट ऑफ लगेगी। तो भैया कौन से बच्चे बुलाए जाएंगे, आपको बता दें कि वो बच्चों को जो होगा, जो लड़के होंगे तो लड़कों को 25 किलोमीटर दौड़ना होगा, समय कितना होगा, 4 घंटे, 10 किलो लेकर के साथियों, यानी 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में निकालना होगा 10 किलोग्राम वेट लेकर के। ठीक है, और महिलाओं को साथियों 14 किलोमीटर निकालना होगा, समय 4 ही घंटे होगा, इनको भी 10 किलो लेकर के दौड़ना होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का ये फिजिकल है। ठीक है, ये मेन फिजिकल है रेस, उसके अलावा हाइट भी होती है दोस्तों, चेस्ट भी होता है लड़कों का, तो वो चीजें अलग है, मगर ये दौड़ की बात करते हैं, ये सबसे कठिन है। ठीक है, चलिए तो इतना आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए अब हम बात करेंगे पेपर की। ठीक है, क्या बात करेंगे, पेपर की। देखिए अगर हम पेपर को, आपको पता है 3 भागों में बटा था, 80 क्वेश्चन हिंदी के थे, 60 क्वेश्चन जीके के और 60 क्वेश्चन रीजनिंग के। देखिए अगर हम हिंदी की बात करते हैं ना, तो हिंदी लगभग दोस्तों थोड़ा सा इजी आई थी। क्या आई थी, इजी आई थी। क्या थी हिंदी, इजी थी दोस्तों, याद रखेंगे हिंदी क्या थी, इजी थी। देखिए अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है हमारे हिसाब से क्या है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपके हिसाब से हो सकता है आपको कठिन लगी हो क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, अगर किसी बच्चे से आप पूछते हैं जिसने पढ़ा है प्रॉपर, तो वही बता पाएगा इसका एनालिसिस। तो हिंदी कहीं तक इजी थी। अगर बात करते हैं जीएस की, दोस्तों जीएस देखिए हार्ड था। क्या था, जीएस हार्ड था।
क्या था जी सर, हार्ड था दोस्तों, ठीक है। और रीजनिंग दोस्तों बताएं तो रीजनिंग मॉडरेट थी, क्या थी, मॉडरेट लेवल की थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम एवरेज ऑन एवरेज निकाले इसका, तो दोस्तों ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना कि ज्यादा हार्ड था, ठीक, और ना ही ज्यादा ईजी था। तो दोस्तों आपको पता है हिंदी अच्छी आई थी, हिंदी दोस्तों ज्यादा घुमाया नहीं था, ठीक है, और ये इजी लेवल के थी, ठीक है। जीके दोस्तों बहुत हार्ड था, हार्ड कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वैसे थे, कुछ ही क्वेश्चन आपको लगे होंगे जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। और रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग हार्ड, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे और कुछ क्वेश्चन दोस्तों इजी भी थे, मगर दोस्तों रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। आपको बता दें कि रीजनिंग ने टाइम लिया होगा बच्चों का, ठीक है, जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि रीजनिंग ने कहीं ना कहीं इनका टाइम वेस्ट किया होगा, ठीक है। चलिए और एक चीज बताते हैं कि मान लें हिंदी का पेपर आसान है दोस्तों, देखिए जितना ज्यादा पेपर आसान उतना उतना ही लोग गलती भी करते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि 80 में से 80 किया होगा बच्चे ने, ठीक है, हाँ, एक एवरेज निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि देखिए एवरेज क्वेश्चन कितने होंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी में आपने दोस्तों कम से कम बच्चों ने कितने के होंगे, जो अच्छा बच्चा होगा दोस्तों, ठीक है, तो अगर एवरेज वाला बच्चा देखे तो कम से कम दोस्तों 65 से 70 के बीच में रहा होगा, 65 से 70 के बीच में रहा होगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात कर ले, रीजनिंग का दोस्तों बच्चा 40 से 45 के बीच में रहा होगा अगर अच्छा एवरेज उसका देखा जाए। और दोस्तों जीके में दोस्तों 30 से 35 के बीच बच्चे ने किए होंगे, ठीक है, 30 से 35 के बीच में बच्चों ने किए होंगे। तो आपको बता दें अगर इनको आप एक एवरेज तरीके से निकालते साथियों, तो देखिए 135 क्वेश्चन के आसपास एक अच्छा खासा एवरेज बैठ रहा है, ठीक है। अब आपको बता दें, देखिए ये एवरेज बैठ रहा है, ठीक है, आपका एवरेज बैठ रहा है। अब देखिए इन पे हम अगर देखते कट ऑफ कैसे बैठेगा, ठीक है, कट ऑफ देखिए, क्योंकि इतना दोस्तों बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे वो कर पाएंगे, ठीक है, जो अच्छे बच्चे होंगे उनके लिए बता रहे हैं कि वो दोस्तों 135 से 150 के बीच गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि कट ऑफ दोस्तों ऐसा नहीं बहुत आसमान छुएगी, ठीक है। और देखिए एक चीज़ इस पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको बता दें कि बहुत दिन से इसका वेट करते बच्चे, इतना ज़्यादा इसको लाइटली मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं ले रहे थे, ठीक है, और वही कहीं ना कहीं उन पर हावी होता दिखता है, ठीक है, अंत में। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। अब देखिए जो अगर आप पूछते हैं हमसे कट ऑफ की बात, तो देखिए हम जो बता रहे हैं साथियों, तो वो कट ऑफ हमारे हिसाब से, अब देखिए आपकी क्या है, आपके हिसाब से क्या जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। मगर साथियों जहां तक हमारा मानना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर साथियों देखिए अगर साथियों आपका 132 प्लस बन रहा है, 132 के आसपास बन रहा है, आप दोस्तों सामान्य कैटेगरी से हैं, किससे, सामान्य कैटेगरी से हैं, 132 प्लस बन रहा है दोस्तों, मेल की बात कर रहे हैं, अभी हम मेल की बात करेंगे, ठीक है, अभी फीमेल की बात हम बाद में करेंगे। तो साथियों 132 प्लस बन रहा है अगर आप मेल में मेल है जनरल में, ठीक है, तो आप दोस्तों आपका हो सकता है आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो 130 के आसपास दोस्तों अगर बन रहे हैं, 130 प्लस माइनस 5 कर लेना दोस्तों अपने आप से, ठीक है, 130 के आसपास दोस्तों अगर आपके बन रहे हैं तो आप साथियों दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। लड़कों की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है, और अगर एससी की बात करें तो 120 के आसपास अगर हैं दोस्तों आपके, तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर एसटी की बात करें दोस्तों, 110 प्लस, क्या 110 प्लस, तो एक बार आपको मैं बता दूं कि देखिए जनरल की हमें मेरे हिसाब से दोस्तों 132 के आसपास, और ओबीसी के 130 के आसपास, ठीक है, एससी के दोस्तों 120 के आसपास, और एसटी के 110 के आसपास दोस्तों ये कट ऑफ आपकी लगने वाली, यानी कि देखिए ये दौड़ के लिए आपकी कट ऑफ लगने वाली है, आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वही दोस्तों अगर हम महिलाओं की बात कर लें कि महिलाओं को कितने बुलाया जाएगा साथियों, देखिए जनरल की महिलाएं, देखिए वैसे दोस्तों ये क्या करते हैं, कट ऑफ एक ही लगाते हैं, अगर दोस्तों महिलाओं की लगानी पड़ेगी, देखिए अब क्या होगा कि महिलाओं की रेस अलग है, ठीक है, तो दोस्तों इनको अगर हो सकता है अगर दोस्तों महिलाओं को अलग से कट ऑफ दिया जाए, तो आपको बताते हैं इनसे लगभग दोस्तों 10 नंबर तक नीचे गिर सकती है महिलाओं की, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जनरल की लगभग दोस्तों 125 के आसपास वाली महिलाएं दौड़ सकती हैं, ठीक, 120 से 25 के बीच वाली, और वहीं दोस्तों ओबीसी की भी 120 के आसपास की, ठीक है, और दोस्तों एससी के दोस्तों आपको पता है कि 110 के आसपास है, और एसटी की 100 के आसपास अगर महिलाओं के हैं तो वो अपना प्रयास जारी रखें, ठीक है। अब देखिए हमारे हिसाब से दोस्तों इतना कट ऑफ जाने वाला है, क्यों, देखिए इतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे होंगे सर कि बहुत हार्ड पेपर था, देखिए हार्ड पेपर था, वैकेंसी भी बहुत कम थी, ठीक, 655 वैकेंसी थी, तो इतना भी मतलब कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो जितना बता दोस्तों हमारे हिसाब से इतना इनफ है, अगर आपके दोस्तों, ठीक है, आप जनरल से हैं दोस्तों, 132 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, 130 प्लस जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको दौड़ना चाहिए। वही दोस्तों लगभग
ओबीसी की भी इतने ही दोस्तों एक दो नंबर जाने वाली है आसपास, 132 अगर जनरल की जाएगी तो 130 तक दोस्तों ओबीसी की मान सकते हैं, और 120 तक एससी के दोस्तों, एसटी के दोस्तों 110, ठीक है। और यही महिलाओं का, तो अगर इनसे दोस्तों 5 से 6 नंबर कम है तो दोस्तों आप दौड़ना अपना निरंतर जारी रखें, ठीक है। हमारे हिसाब से ये होगा, देखिए आपके हिसाब से क्या होता, आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप देखिए आपने अगर कहीं दोस्तों गलत मिलाया है तो एक बार हम देखिए अपने लिंक दे देंगे दोस्तों, वीडियो का जो हमने बनाया है पूरा पेपर सॉल्व करा उसका लिंक दे देंगे, आप उससे एक बार जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है, उससे आप मिला लीजिएगा। और अगर इतने क्वेश्चन आपके काट पीट के बन रहे हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2-4 नंबर अगर कम ज्यादा है तब भी आप दौड़िएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों एक चीज बता दूं मैं, देखिए हमने जो दोस्तों ये आपके लिए हिंदी का पेपर चलाया था ना, हिंदी का ये आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वर्णक के लिए संपूर्ण हिंदी, इसको अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा इसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। तो आपसे मैं कह दूं, एक बार फिर से कह दूं कि भैया अब आपका वीडियो का एग्जाम आने वाला, वीडियो को टारगेट कर रहे हैं साथियों, ये वाला प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, अगर वीडियो के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिश होगी दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसे फंसेंगे, तो दोस्तों वीडियो के लिए आप इसमें से एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये आपका प्लेलिस्ट है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वनरक्षक संपूर्ण हिंदी, तो इसको आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा साथियों किपेट की क्लासे हम रेगुलर करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की 2022 की क्लासे, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम इसमें कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, आप अपना दोस्तों नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपको लगता है सर नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।